सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं इस्कॉन मंदिर जो कि बेंगलोर में है और इंडिया का सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा मंदिर है और इसके पीछे कुछ बिल्डिंगें हैं जो कि इस मंदिर को काफ़ी अच्छा लुक देती हैं और इसके पीछे का लुक कुछ आप इस तरीके से देख सकते हैं। गाइस मैं बैक कैमरा करके आपको पूरा मंदिर भी एक्सप्लोर कराने वाला हूं और ये इंडिया का सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है जो कि बेंगलोर में है। अभी और अच्छे से विज़िट करते हैं इस मंदिर को और देखते हैं कि आखिर क्या खासियत है इस मंदिर की। गाइस ये मंदिर को 1997 में बनाया गया था। गाइस इसे आप पढ़ सकते हैं कि ये कब स्थापित किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा, ये मतलब कि उनके द्वारा ये संस्था चलाई गई थी इस्कॉन मंदिर बनाने की। सबसे पहला मंदिर उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में बनवाया था जो कि 1967 में बनवाया था। और यकीन मानिए कि मतलब विदेश में ये मंदिर को सबसे पहले बनाया गया, इसके बाद पूरी दुनिया में इसे बनाया गया और इंडिया में भी बनाया गया, लेकिन ये इंडिया का सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है जैसा कि आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से और बहुत ही अच्छा मंदिर है। अभी तक हम मंदिर अंदर नहीं गए, सिर्फ अभी हम बाहर से ही इसके लुक का नज़ारा देख रहे हैं और अभी हम अंदर जाने वाले हैं और अंदर से देखने वाले हैं कि अंदर से कैसा दिखता है मिंटू से। चलिए निर्मल अंदर चलते हैं। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस अभी हम बेंगलोर पहुंच गए, होटल ले लिया है और नहा धोकर हम रेडी हो गए और अभी हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण जी का टेम्पल है और बेंगलोर में भी है वो। तो हम बेंगलोर वाला टेम्पल अभी घूमने जा रहे हैं और सीधा जाते हैं, सबसे पहले कुछ खाते हैं इसके बाद सीधा इस्कॉन टेम्पल जाते हैं। सो गाइस फाइनली हमारा थाली आ गया है और खाना खाते हैं और सीधा फिर जाते हैं घूमने के लिए। सो गाइस अभी तो हम आए बैग की दुकान में क्योंकि हमें बैग लेना था और हम साइड बैग खरीदना है, तो अभी बैग ले रहे हैं, देखते हैं कौन सा वाला पसंद आता है। ना हुआ ये वाला जीप का बैग 750 रुपये प्राइस बता रहा है, ये अच्छा लग रहा है। और भी हमने देखे हैं, दो तीन इस टाइप में देखे हैं और ये साइड वाले भी देखे हैं, लेकिन हमें तो क्या है ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला जो इसने पहना है। दिखाना एक बार, सही लग रहा है ये वाला। चलो तो इसको पैक करवा लेते हैं, क्या इसका प्राइस कम करवाते हैं और यहाँ पे कपड़े बैग वैग सब मिल रहे हैं। सो गाइस हमने ये जीप का बैग फाइनल कर लिया क्योंकि हमें बैग लेना था ट्रैवलिंग के लिए, हमारा गोप्रो रखने के लिए, तो ये फाइनल हो गया है और अभी जाते हैं और ट्रैवल करते हैं। और ये हमारे भैया की दुकान है लाइफ स्टाइल मल्टी कलेक्शन। आप आए बेंगलोर में तो ये अपना कौन सा एरिया है, कॉटन पेट पर, अगर आप कभी आए वो लिखा हुआ है, मैं जूम कर देता हूँ, तो इसके जस्ट सामने ही ये दुकान है। सो गाइस ये लाइफ स्टाइल मल्टी कलेक्शन दुकान पर हम आए हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें हमें मिलती है, बैग से लेकर आप परफ्यूम खरीद सकते हैं और जो ट्रैवलिंग वाले बैग है वो भी मिल जाते हैं दुकान पर, और मोबाइल के कवर वॉचेस मिल जाती हैं और कपड़े भी जीन्स भी रखे हुए हैं, सारी चीज़ मिल जाती है इसमें। काफ़ी अच्छा लगा और हमने ये वाला बैग फाइनल कर लिया है। सो गाइस अभी हम बस में बैठ चुके हैं और हम सीधा अभी जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल जो कि श्री कृष्ण का मंदिर है, काफ़ी फेमस है, आपको इस्कॉन टेम्पल के बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं। और वहाँ जाकर मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाने वाला हूँ और अभी हम बस में बिल्कुल लास्ट सीट पर बैठ गए हैं और काफ़ी एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी मज़ा आने वाला है और पूरा ब्लॉग ज़रूर देखें आप इस्कॉन टेम्पल का, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है वो। मेरे साथ मेरा भाई जा रहा है। हेलो, चलो निर्मल जल्दी। सो गाइस जा रहे हैं हम इस्कॉन टेम्पल के लिए और चलते हैं, इधर का व्यू कुछ ऐसा है। यहाँ से एंट्री होती है गाइस, इधर से एंट्री है और मास्क लगाने का बोल रहे हैं बट अभी कोई मास्क नहीं लगा रहा है। और ये हमारा फर्स्ट इस्कॉन टेम्पल है, इससे पहले हम कभी भी इस्कॉन मंदिर में नहीं गए। सो गाइस ये रहा इस्कॉन टेम्पल का एंट्री पॉइंट और यहाँ से हमें एंट्री मिलने वाली है। इसके अंदर फिर हमें एक विशाल मंदिर मिलने वाला है इस्कॉन टेम्पल जो कि बेंगलोर में है और जो कि इंडिया का सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है, और अभी पता चल जाएगा आगे जाके कितना बड़ा है। और यहाँ से व्यू कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, यहाँ सीधा मेट्रो का ट्रैक है यहाँ से सीधा, और काफ़ी अच्छा वातावरण लग रहा है यहाँ पर। चलो चलते हैं सीधा मंदिर में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा
सो गाइस ये रहा इस्कॉन टेम्पल। अभी भी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा मंदिर है। 24 घंटे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे का जाप चलता रहता है। और मैं ज़्यादा तेज़ आवाज़ में यहाँ बात नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी अच्छा मंदिर है, शांति काफ़ी अच्छी है। कितना अच्छा मंदिर लग रहा है और कितना अच्छा व्यू दिख रहा है आज। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है और देख सकते हैं कितना अच्छा मंदिर लग रहा है ये। और इधर ये बिल्डिंग है तो और ही ज़्यादा स्मूथिंग लग रहा है। लेकिन क्या मंदिर बनाया है गाइस, सच में इस्कॉन टेम्पल, ये सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है बेंगलुरु में, इंडिया का। और काफ़ी अच्छा वातावरण है यहाँ का। 24 घंटे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे का जाप चलता ही रहता है। आपने सुना ही होगा अभी पीछे। चलिए अब अंदर चलते हैं मंदिर के अंदर। गाइस इसे आप पढ़ सकते हैं कि ये कब स्थापित किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा ये स्थापित, मतलब कि उनके द्वारा ये संस्था चलाई गई थी इस्कॉन मंदिर बनाने की। सबसे पहला मंदिर उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में बनवाया था, जो कि 1967 में बनवाया था। और यकीन मानिए कि मतलब विदेश में ये मंदिर को सबसे पहले बनाया गया, इसके बाद पूरी दुनिया में इसे बनाया गया और इंडिया में भी बनाया गया। लेकिन ये इंडिया का सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से और बहुत ही अच्छा मंदिर है। अभी तक हम मंदिर अंदर नहीं गए, सिर्फ अभी हम बाहर से ही इसके लुक का नज़ारा देख रहे हैं। और अभी हम अंदर जाने वाले हैं और अंदर से देखने वाले हैं कि कैसा ये अंदर से कैसा दिखता है मिंटू से। चलिए निर्मल अंदर चलते हैं। और यहाँ पर फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द टेम्पल, मतलब कि भाई मना कर रखा है, तो अभी आई थिंक फोटो नहीं ले सकते, तो मुझे यहीं पर ख़त्म करना होगा। इंग्लिश वाली बुक इधर है, तमिल तेलुगु वाली इधर है, मलयालम इधर है, कन्नड़ इधर है, और यहाँ पे कन्नड़ा, ये भी कन्नड़ा, सारी बुक्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। और हमें तो इंग्लिश में ख़रीदनी, क्योंकि हिंदी तो रहेगी नहीं और हम वैसे भी इंग्लिश में ही पढ़ते। तो इंग्लिश की हमने एक ऑलरेडी प्रभुपाद जी की बुक खरीद ली है, और एक और ख़रीदते हैं हम, देखते हैं कोई सी अच्छी छोटी वाली, बियॉन्ड इल्यूजन डाउट, ये नहीं, अपन वही सिर्फ एक बोर्ड वाली बुक खरीदेंगे। हिंदी में भी है, अच्छा मैं पता नहीं था हिंदी में, ये इंग्लिश वर्जन है हिंदी का है ना? ये नहीं, अभी मैंने एक इंग्लिश लिया था तो वो उसका ही वर्जन है क्या? हिंदी सेम है तो मैंने इंग्लिश में, हाँ भाषा लगे सेम है ना। कितने की बोली, कितने की लिया? वो भी लिया। ये तो अपनी लैंग्वेज नहीं, बंगला है, उड़िया है और गुजराती है, मराठी है। अपनी हिंदी और इंग्लिश अपना हो गया, वैसे भी हिंदी में इंग्लिश की खरीद लेते हैं अपन, चले ना। ये गुजराती हो गया और ये मराठी हो गया, ये मराठी है ना इसको। और अपना कहाँ है बिलिंग, यहाँ पे होगा इंग्लिश। और मंदिर आप देख सकते हैं कितना प्यारा बना रखा है। फ़ोटो नहीं लेना? चलो ठीक है, फ़ोटो मना है यहाँ पर। गाइस वीडियो बना नहीं सकते, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ फिर भी, मतलब मंदिर के बाहर से आप बना सकते हो, लेकिन मंदिर के अंदर से नहीं बना सकते हो। अपन मूर्ति खरीदे क्या हूँ, ये वाली छोटी वाली बाद में रखेंगे। और इज द प्राइस ऑफ इट 180 करना। हाँ काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर रखे हुए हैं। सो गाइस हमने तो ये वाली मूर्ति खरीद ली है श्री कृष्ण जी की, जो कि 180 रुपीज़ की है। हम इसे हमारी कार में भी रख सकते हैं और हमारी कंप्यूटर टेबल पर भी रख सकते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे चीज़ें हैं इस्कॉन टेम्पल में। डायरेक्ट एग्जिट फॉर फ्रीक्वेंट विजिटर्स, हाँ अभी अपने को कुछ नहीं लेना है ना ज़्यादा। एग्जिट करते हैं सीधा, ये फिर से खाने वाने की चीज़ें आ गई हैं, आप खा सकते हैं। और यहाँ से एग्जिट है सीधा, चलिए भाई एग्जिट मार लो यहाँ से। गाइस एक सरोवर भी बना रखा है इस्कॉन टेम्पल में, काफ़ी अच्छा लग रहा है वो। और यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है और सब प्रसाद खा रहे हैं यहाँ पर, वहाँ पर प्रसाद वितरण चल रहा है उधर, और हम भी हमारे लिए प्रसाद लेकर आ गए हैं, खाते हैं। चलो भैया जाओ बैठो। और वो रहा
गाइस इस्कॉन टेम्पल। चलो।